नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं खबर और खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। जंगली हाथी ने सूंड से उठाया और पटक कर मार डाला, जंगली हाथियों के झुंड का शिकार हुआ युवक। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में करतियानगंज वर्ल्ड वाइफ क्षेत्र में जंगली हाथियों ने फिर से एक बार आतंक बरपाया है। यहाँ नेपाली सीमा क्षेत्र से वापस अपने गाँव जा रहे एक युवक को हाथियों के झुंड ने घेर लिया और पटक पटक कर मार डाला। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। की शाम को भरतापुर गांव का रहने वाला 30 वर्षीय छोटे लाल पुत्र जगन्नाथ अपने गांव से नेपाली सीमा क्षेत्र से धान से चावल निकलवाने गया था। जब वह साइकिल से वापस अपने गांव आ रहा था, उसी दौरान रास्ते में एक झुंड ने उसे घेर लिया और सूंड से पटक कर मार डाला। घटना की सूचना पर क्षेत्र के रेंजर राजकुमार अपने सहकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक छोटे लाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ क्षेत्र के DFO आकाशदीप बधावन ने बताया कि बीते कुछ दिनों से हाथियों के हमलों की घटना बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले टस्कर हाथी ने हमारे फॉरेस्ट गार्ड पर हमला बोला था, जो अभी तक अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज किया जा रहा है। आप रत्न के रेंजर राजकुमार के मुताबिक गांव के प्रधान ने उन्हें बताया कि मृतक नशे में था। गांव की महिलाओं ने उसे क्षेत्र में हाथियों को होने की सूचना दी थी। युद्ध इसके उसी क्षेत्र में चला गया जहाँ हाथी थे। हाथियों ने उसे निशाना बनाया और मार डाला। विभाग ने मृतक अंत्येष्टि के लिए उसके परिवार वालों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। वन विभाग घटना के अन्य कारणों की भी जांच कर रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।